स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग वेलकम इन माई वीडियो लेक्चर ऑफ सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन स्टूडेंट्स इन प्रीवियस लेक्चर लैक्चर हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ फिजिबिलटी हैव स्टडीड अबाउट इकोनॉमिक फिजिबिलिटी टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी बिहेवियर फिजिबिलिटी शिड्यूल फिजिबिलिटी एंड सोशल फिजिबिलिटी स्टूडेंट्स इन छ फिजिबिलिटी फिजिबिलिटीज़ के बारे में हमने देखा था अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट फिजिबिलिटी की इसमें क्या होता है कि इट इज़ ए डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर द प्रपोज सिस्टम इज़ एक्सपेक्टेबल टू द मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हम ये देखते हैं ये डिटरमाइन करते हैं जो सिस्टम एनालिस्ट है वो ये डिटरमाइन करता है कि जो प्रपोज सिस्टम है यानी जो सिस्टम हम बनाने वाले हैं वो मैनेजमेंट के द्वारा स्वीकार है या नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट है वो सिस्टम को स्वीकार करता है एक्सपेक्ट करता है एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है द प्रोजेक्ट मे बी रिजेक्टेड इफ़ द मैनेजमेंट डज नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज सिस्टम वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट भी हो सकता है अगर जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो ठीक है तो ये होता है हमारा मैनेजमेंट फिजिबिलिटी ओके मैनेजमेंट से रिगार्डिंग एक्सपेक्टेंस जो होगा वो इस फिजिबिलिटी के द्वारा हम डिटरमाइन करते हैं या सिस्टम एनालिस्ट डिटरमाइन करता है लीगल फिजिबिलिटी की बात करें तो इट इज़ ए डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर द प्रपोज प्रोजेक्ट इज अंडर लीगल ऑब्लीगेशन ऑफ नॉन एक्ट एंड स्टेट्स एक्ट एट्सट्रा इसमें ये डिटरमाइन किया जाता है कि जो प्रपोज सिस्टम है या जो प्रोजेक्ट है हमारा वो एक बैध तरीके से लीगल ऑब्लीगेशन के जानकारी को रखते हुए ध्यान में रखते हुए इस्टेटस को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है या नहीं ठीक है तो ये थी हमारी लीगल फिजिबिलिटी नेक्स्ट इज़ टाइम फिजिबिलिटी इट इज़ ए डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर द द्रोज सिस्टम विल बी कम्प्लीटेड विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम पीरियड इफ़ द प्रोजेक्ट टेक्स टू मच टाइम इट इज़ लाइकली टू बी रिजेक्टेड इस टाइम फिजिबिलिटी में हम ये चेक करते हैं ये डिटरमाइन करते हैं कि जो प्रपोज प्रोजेक्ट है सिस्टम है वो अपने जो स्पेसिफाइड टाइम है उस पीरियड में कंप्लीट होता है या नहीं होता है अगर ये अपने टाइम में कंप्लीट नहीं होता ज़्यादा टाइम लेता है तो ये रिजेक्ट भी हो सकता है टाइम फिजिबलिटी और शेड्यूल फिजिबिलिटी लगभग सेम है दोनों एक ही तरीके से हैं उसमें पास शेड्यूल को भी ऐड कर देते हैं हम चाहें तो इसे एक ही फिजिबिलिटी के नाम से जान सकते हैं जिसका नाम है शेड्यूल फिजिबिलिटी ठीक है तो ये थी हमारी टाइप्स ऑफ फिज़िबलिटी अब आगे हम देखेंगे फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है फ़िजिबिलिटी के टाइप्स तो आपको समझ में आ गए होंगे आप ध्यान रखिएगा फ़िजिबिलटी के टाइप जो होते हैं ठीक है सबसे पहला इकोनॉमिक फ़िजिबिलिटी देन टेक्निकल फिज़िबिलिटी देन ऑपरेशनल फिजिबिलटी बिहेवियल फ़िजिबिलटी एंड शेड्यूल फ़िजिबिलिटी सोशल फिजिबिलिटी मैनेजमेंट फिज़िबिलिटी लीगल फ़िजिबिलिटी एंड टाइम फिजिबिलिटी इस तरीके से फिजिबिलिटी के ये कैटेगरीज़ हैं अब हम बात करेंगे फ़िजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में इट इज़ ए फाइनल रिपोर्ट ऑफ़ द फिज़िबिलिटी स्टडी अबाउट द फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन ऑफ़ द स्टडी जब हम किसी सिस्टम को स्टडी करते हैं ठीक है या स्टडी करने के बाद जो भी हम उसमें प्राप्त करते हैं जो भी निष्कर्ष निकालते हैं उसकी जो फ़ाइनल रिपोर्ट है वो फिजिबिलिटी स्टडी की वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहलाती है मान लीजिए किसी सिस्टम को हमने एनालाइज किया उसे स्टडी की उसकी और उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट निकलती है फिजिबिलिटी स्टडी करने के बाद वो हमारी कहलाती है फिजिबलिटी रिपोर्ट इट शुड बी पॉसिबल टू रिव्यू रिपोर्ट एंड टेक डिसीजन ऑन द प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन इट और ये जो फिज़िबलिटी रिपोर्ट है ये इतनी पॉसिबल होनी चाहिए कि वो रिपोर्ट जो है रिव्यू की जा सके रिव्यू में और कोई डिसीजन लेना है वो भी हम रिव्यू के आधार पर इस रिपोर्ट के आधार पर ले सकें फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द रीडर रिपोर्ट यूजली इंक्लूड एग्जीक्यूटिव समरी विच गिव साइलेंट पॉइंट एंड कंक्लूजन ऑफ द रिपोर्ट इनका कहने का मतलब है कि रीडर आसानी से समझ सके रिपोर्ट को इसके लिए हम क्या करें जो रिपोर्ट है उसकी एक एग्ज़ीक्यूटिव समरी और उसके कुछ साइलेंट पॉइंट जिससे एग्जीक्यूटिव समरी देनी चाहिए हमें एक बनानी चाहिए रिपोर्ट में जिससे क्या होगा एक कुछ साइलेंट पॉइंट और कौन रिपोर्ट का जो कॉन्क्लूजन है वो पता चल जाएगा ठीक है पूरी रिपोर्ट स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होगी कॉन्क्लूजन को या समरी को देख के पता चल जाएगा इस रिपोर्ट में हमें क्या क्या चीज़ें हमारी फाइंड हुई हैं क्या क्या कॉन्क्लूजन निकले हैं ठीक है द रिपोर्ट मस्ट कंटेन क्लियर स्कोप ऑफ द सिस्टम रिपोर्ट के अंदर सिस्टम का क्लियर स्कोप होना चाहिए ठीक है इट शुड गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द बोथ एग्जिस्टिंग सिस्टम एंड प्रपोज सिस्टम और इस रिपोर्ट के अंदर जो सिस्टम एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसका भी और प्रपोज सिस्टम है दोनों का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए दोनों का वर्णन होना चाहिए द रिपोर्ट में आल्सो कंटेन द मेथड यूज्ड इन स्टडी एंड द पर्सन कॉन्टैक्टेड एंड अदर सिमिलर थिंग जो रिपोर्ट है वो क्या करे स्टडी के मेथड को कंटेन करना चाहिए और जो पर्सन इसमें कंटेक्ट है उसको भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और अदर सिमिलर थ्रे और इसके अलावा और भी चीज़ें रिपोर्ट्स में हमारी होनी चाहिए जब हम एक रिपोर्ट्स को तैयार करें तो क्या क्या चीज़ें हमारी उस रिपोर्ट्स में होनी चाहिए वो हम नीचे कुछ पॉइंट्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें सिमिलर थिंग्स हैं उन वो होनी चाहिए इंक्लूड हमारी रिपोर्ट में तो आप समझ गए होंगे कि रिपोर्ट क्या होता है रिपोर्ट बेसिकली जब हम किसी भी सिस्टम की चाहे वो एग्जिस्टिंग सिस्टम हो या न्यू सिस्टम हो जब हम उसकी फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी आपने पढ़ाई पिछले लेक्चर में भी पढ़ा टाइप्स किस तरह से इकोनॉमिक अगर स्टडी करें उसकी टेक्निकल स्टडी करें ऑपरेशनल स्टडी करें सोशल स्टडी करें मैनेजमेंट स्टडी करने के बाद जो रिपोर्ट तैयार होती है फिजिबिलिटी स्टडी के बाद जो रिपोर्ट तैयार होती है फाइनल रिपोर्ट वो हमारी फिजिबलिटी रिपोर्ट कहलाती है और इसमें हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि रिपोर्ट हमारी इतनी कन्वीनियंस हो इतनी जो भी इसे पढ़े कि वो आसानी से समझ सके इसमें एग्जीक्यूटिव समरी इंक्लूड होनी चाहिए जिसमें ये पता चल जाए कि इसके साइलेंट पॉइंट क्या है या कौन रिपोर्ट का कॉन्क्लूजन क्या है ठीक है रिपोर्ट के अंदर जो भी है सिस्टम है उसका स्कोप होना चाहिए क्लियरली डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट हमारी होनी चाहिए ठीक है कुछ पॉइंट्स हैं जो रिपोर्ट्स में हमारे होने चाहिए उनके बारे में देखते हैं पहला है टाइटल पेज विद द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट एंड कस्टमर ठीक है जो रिपोर्ट को तैयार कर रहा है या जो कस्टमर है और ठीक है उसके नाम के सहित टाइटल पेज हमारी रिपोर्ट में होना चाहिए टाइटल पेज में रिपोर्ट का नाम रिपोर्ट का क्या टाइटल है ठीक है प्रोजेक्ट का क्या नाम है उसको भी और कस्टमर के नाम को भी ऐड करना चाहिए यानी कि टाइटल पेज हमारी रिपोर्ट का होना चाहिए जिसमें यह हो कि रिपोर्ट का टाइटल क्या है और कौन से प्रोजेक्ट पर हमारी ये रिपोर्ट बनी है या कस्टमर कौन है ठीक है सेकंड इन्फॉर्मेशन वर्जन नंबर जो भी इन्फॉर्मेशन वर्जन नंबर है वो सारी डिटेल नेम ऑफ द ऑथर ऑथर का नाम रिव्यूअर का नाम अप्रूवर का नाम ये सारी चीज़ें हमारे सेकेंड नंबर पर होनी चाहिए किसी भी रिपोर्ट में के अंदर देन टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि जो भी कंटेंट हमारी रिपोर्ट के अंदर है उसकी एक टेबल ठीक है जैसे हम पता कर सकें कौन कौन से कंटेंट इस रिपोर्ट में यूज किए गए हैं और कौन सा कंटेंट किस नंबर पेज पर है तो एक टेबल होनी चाहिए कंटेंट्स की हमारी रिपोर्ट के अंदर स्कोप एंड सिस्टम बाउंड्री सिस्टम जो भी हमारा है चाहे एग्जिस्टिंग सिस्टम हो चाहे न्यू सिस्टम हो तो इसकी स्कोप और उसकी बाउंड्रीज़ को भी डिफाइन करना चाहिए रिपोर्ट के अंदर या इंक्लूड करना चाहिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलोंग विद द करंट सिस्टम डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द प्रपोज सिस्टम विल सॉल्व द प्रॉब्लम और प्रॉब्लम स्टेटमेंट होना चाहिए जिसमें यह शो करे कि जो करंट सिस्टम है उसका वर्णन कि वो कैसे हमारे प्रपोज सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है या करता है ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए देन एग्ज़ीक्यूटिव समरी और एक एग्जीक्यूटिव समरी होनी चाहिए मैंने पूरे ऊपर भी बताया था आपको डिटेल में कि एग्जीक्यूटिव समरी का काम होता है ये क्या करता रिपोर्ट के जो साइलेंट फीचर हैं और जो कॉन्क्लूजन है रिपोर्ट का वो इसमें आता है एग्जीक्यूटिव समरी में जिससे ये पता चल जाता है जो भी रीडर होता उस है उसे कि इस रिपोर्ट का कॉन्क्लूजन क्या निकला निष्कर्ष क्या निकला ठीक है एंड कॉस्ट बेनिफिट स्टेटमेंट रिपोर्ट के अंदर कॉस्ट और बेनिफिट स्टेटमेंट्स भी होनी चाहिए कि जो सिस्टम हम बना रहे हैं उसमें कितनी कॉस्ट हमारी लगेगी क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस ये सारे स्टेटमेंट्स हमारे रिपोर्ट के अंदर होने चाहिए इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रपोज सिस्टम और इम्प्लीमेंटेशन शेड्यूल भी होना चाहिए जिससे पता चल जाए कि जो भी हमारा प्रपोज सिस्टम है उसमें कब कब इम्प्लीमेंट किया जाएगा एक शेड्यूल जो होता है वो हमारी रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए ठीक है एंड हार्डवेयर कन्फिग्रेशन यानी रिपोर्ट में जो जो हमने ऑपरेशन यूज़ किए हैं जो जो टूल्स यूज किए हैं उनका हार्डवेयर कन्फिग्रेशन मतलब जो भी टूल्स यूज़ किए गए हैं चाहे कंप्यूटर सिस्टम हो चाहे चाहे लैपटॉप हो चाहे टूल्स हो चाहे इक्विपमेंट्स हो उनका हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन क्या है कॉन्फ़िगरेशन क्या है उन सारी चीज़ों को रिपोर्ट में हमें इंक्लूड करना चाहिए देन अपेंडिक्स विद डिटेल टू सप्लीमेंट ऑफ रिपोर्ट यानी कि जो जो अपेंडिक्स हैं हमारे रिपोर्ट के उसको भी हम रिपोर्ट में इंक्लूड करें इस आधार पर अगर हम रिपोर्ट बनाएंगे तो रिपोर्ट हमारा जिस पर्पस से बनाई गई है वो पर्पस हमारा फुलफिल होता रहेगा ठीक है तो कुछ ये पॉइंट्स है ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं जब हम रिपोर्ट तैयार करें ये सिस्टम एनालिस्ट के पार्ट कई चीज़ें हैं ठीक है ये जो मैंने बताए थे ये क्या है ये ये सब सारे काम रिपोर्ट बनाने वाले सारे काम रिपोर्ट जब तैयार करते हैं किसके हैं ये हैं सिस्टम एनालिस्ट के तो सिस्टम एनालिस्ट को ये सारी चीज़ें हमारी ध्यान में रखनी चाहिए जब वो रिपोर्ट बनाए जैसे कि टाइटल पेज है इन्फॉर्मेशन टेबल ऑफ कंटेंट स्कोप ऑफ सिस्टम बाउंड्रीज़ ठीक है प्रॉब्लम स्टेटमेंट कि करंट सिस्टम और जो प्रपोज सिस्टम है वो दो एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है ये सारी चीज़ें हमारी रिपोर्ट में होनी चाहिए और एग्जीक्यूटिव समरीज ये सारी चीज़ें हमारी रिपोर्ट में होनी चाहिए ठीक है एग्जीक्यूटिव समरी और उसके बाद कॉस्ट बेनिफिट स्टेटमेंट ये सारे और इम्प्लीमेंटेशन कैसे इम्प्लीमेंट किया है रिपोर्ट में हमने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और ये सारी चीज़ें हमारी रिपोर्ट में होनी चाहिए इस तरीके से अगर हम फिजिबलिटी रिपोर्ट हमारी प्रिपेयर की जाती है तो ये था हमारा आज का टॉपिक फिजिबलिटी रिपोर्ट और कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आज के टॉपिक में इतना ही ओके थैंक यू स्टूडेंट्स हैव अ नाइस डे